अपनी मेरिट, अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस पीटी पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे समस्त बीपीएससी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी तरह की गड़बड़ी प्रशासन की तरफ से न हो और पूरी तरह से मुस्तैद प्रशासन को रहना चाहिए। हम बिहार सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं, बीपीएससी से भी आग्रह कर रहे हैं और समस्त जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि आप एग्जाम को बहुत अच्छे से कंडक्ट कराइए और आप सभी को जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी जो ईमानदारी से, मेहनत से और अपने मेरिट से परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। कल बीपीएससी 67वीं का पुनर्परीक्षा है और आपको बता दें कि पहला परीक्षा 8 मई को हुआ था और पेपर लीक कर गया था और इसको उजागर किया था छात्र नेता दिलीप ने। और इसके बाद भी जहाँ 2 दिन परीक्षा व्यवस्था के विरोध में और 21 सितंबर के परीक्षा के विरोध में दिलीप ने आंदोलन किया और अंततः कल परीक्षा होने वाली है तो छात्रों को लेकर दिलीप ने संदेश दिया है। चलिए सुनते हैं क्या कहा छात्र नेता दिलीप ने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा आयोजित होने जा रही है। अपनी मेरिट, अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस पीटी पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे समस्त बीपीएससी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप पूरी सकारात्मक सोच के साथ इस परीक्षा में शामिल होइए, नकारात्मक सोच को पूरी तरह से अभी भूल जाइए। पीछे क्या हुआ, पहले क्या हुआ, नहीं हुआ, इन सब बातों को अभी भूल जाइए और कल 30 सितंबर की 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा में पूरी सकारात्मक सोच के साथ आप शामिल होइए। और अभी नया चीज़ ज़्यादा कुछ भी मत पढ़िए क्योंकि अब समय नहीं है, तो सिर्फ बिहार का और भारत का बजट पढ़ सकते हैं, जनगणना पढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को देख लीजिए। करेंट अफेयर्स में आप नई नियुक्तियाँ, बिहार सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, इन सब चीज़ों को ही देखिए, ज़्यादा अभी कुछ मत देखिए क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक रहता है तो आप कुछ पढ़िएगा तो लगेगा कि पहले से आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, सारा चीज़ आप भूल चुके हैं। और तो इससे आपको घबराना भी नहीं क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है कि जब वो पढ़ते हैं एग्जाम के नज़दीक आने पर तो लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है, सारा चीज़ हम भूल गए। तो ये हर परीक्षार्थी के साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस अभी ज़्यादा मत पढ़िए, पूरा रिलैक्स मूड में रहिए और कल आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, पूरे सकारात्मक सोच के साथ एग्जाम दीजिए। और एक जो रूल रेगुलेशन बीपीएससी ने जारी किया कि 11 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, तो इस चीज़ को एकदम अच्छा से ध्यान रखिए कि 11 बजे के बाद आपको एंट्री किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। तो 11 बजे से 20-25 मिनट पहले ही, 11 बजे से 20-25 मिनट पहले ही आप एग्जाम हॉल में एंट्री ले लीजिए। आप 11 बजने का इंतजार मत कीजिए क्योंकि उस समय परेशानी हो जाएगी आपको, तो इसलिए आप 11 बजे से 20-25 मिनट पहले ही आराम से आप एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री ले लीजिए। 11 बजने का आप इंतजार मत कीजिए और पूरी सकारात्मक सोच के साथ आप परीक्षा में शामिल होइए। परीक्षा के बाद हम लोग फिर बीपीएससी से संबंधित जो भी सुधार की बात होगी वो करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा पे होनी चाहिए। बाकी कुछ भी अभी आप मत सोचिए, किधर क्या हो रहा है, कुछ भी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए और पूरे सकारात्मक सोच के साथ आप एग्जाम दीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा और बिहार सरकार, बीपीएससी और जिला प्रशासन, जहाँ जहाँ सेंटर है उन जिला प्रशासनों से भी हम ये अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ इस एग्जाम को पूरी करवावें, आयोजित करवावें, क्योंकि एक बार परीक्षा रद्द हो चुकी है पेपर लीक के कारण, दोबारा ये घटना नहीं होनी चाहिए, न तो पेपर लीक हो, न ही किसी तरह की गड़बड़ी, न ही सेंटर मैनेज जैसी कोई घटना होनी चाहिए, क्योंकि ये 6 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। एक बार परीक्षा रद्द हो चुकी है, ऐसे ही ये वैकेंसी बहुत लेट हो चुकी है, पिछले साल वैकेंसी आई थी और 1 साल हो चुका है, अब 1 साल बाद पीटी हो रही है, दोबारा पीटी हो रही है, तो ये बहुत लेट वैसे भी हो चुका है। तो किसी भी तरह की गड़बड़ी प्रशासन की तरफ से न हो और पूरी तरह से मुस्तैद प्रशासन को रहना चाहिए। हम बिहार सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं, बीपीएससी से भी आग्रह कर रहे हैं और समस्त जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि आप एग्जाम को बहुत अच्छे से कंडक्ट कराइए और किसी भी तरह से गड़बड़ी न हो, इसका ख्याल रखें। और आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग भी प्रशासन का सहयोग पूरी तरह से कीजिए। हाँ, जहाँ कुछ गड़बड़ी आपको नजर आए, अगर एग्जाम देते समय या कहीं भी कुछ गड़बड़ी नजर आए, तो जरूर आप उस चीज़ को इन्फॉर्म कीजिए, जो भी सेंटर पे हो, अधिकारी हो, उनको जरूर सूचना दीजिए। या फिर अगर बाहर में कुछ इस तरह की घटना हो रही तो उसका वीडियो बना सकते हैं, अंदर में तो मोबाइल ले जाके आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाहर में अगर कुछ इस तरह की गड़बड़ी आपको नजर आ रही तो जरूर वीडियो बना लीजिए, उसको फेसबुक वगैरह पे जरूर उस समय डाल दीजिए। और आप पूरा फोकस आप अपने एग्जाम पे कीजिए, बाकी इधर उधर क्या हो रहा है ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको, सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए। हाँ, अगर एग्जाम देते देते आपको एग्जाम हॉल में भी कहीं कुछ गड़बड़ी नजर आ जाए तो जरूर वहाँ जो शिक्षक होंगे उनको जरूर आप इस चीज़ से
अवगत करवाइए। और अगर कोई 15-20 क्वेश्चन रंग के ओएमआर सीट खाली छोड़े, अगर आपका नजर पड़ जाए, ऐसा नहीं कि आप परीक्षा छोड़ के आप इधर उधर देखने में रहिए, नहीं ऐसा भी नहीं करना। अगर आपका नजर पड़ जाए उस पर कि कोई 15-20 क्वेश्चन रंग के और पूरा ओएमआर सीट खाली छोड़ के आ रहा, तो उसका रोल नंबर आप चुपके से नोट कर लीजिए और हमें जरूर बताइएगा। आप चुपके से रोल नंबर नोट कर लीजिएगा और हमें बाद में जरूर बताइएगा। बाकी आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए। और आप सभी को, जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी जो ईमानदारी से, मेहनत से और अपने मेरिट से परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। तो जैसा कि आप सुना कि दिलीप का कहना है कि आप टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए पॉजिटिव सोच के साथ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आगे क्या होगा इन सब को छोड़ के आपको अपने परीक्षा पर कल परफॉर्मेंस करना है, ध्यान केंद्रित रखना है। हमारे तरफ से भी, द बिहार टॉप के तरफ से भी, बीपीएससी 67वीं परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। आप अपना 100% दे और आपका सिलेक्शन हो, यही हम कामना करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बीपीएससी से संबंधित हर एक अपडेट यहीं से मिलेगा और काफ़ी सटीक और सबसे पहले मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।